सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रतिज्ञा दोहराएंगे, एक लंबी सांस। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। आज जो भी हम पढ़ेंगे वो पूरा हमारी बुद्धि बुद्धि ग्रहण कर ले, ऐसे उस परमात्मा के पास प्रार्थना करके दोनों आंखें धीरे से खोलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। योगियों का जीवन परिचय हम देख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, सेकंड पेपर का। उसमें हमें एक टॉपिक के अंतर्गत ये दिया है, यानी इससे एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। उसमें आधुनिक काल के योगी महर्षि पतंजलि गोरक्षनाथ ऐसा सभी का दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र या योग दर्शन के ये रचयिता है। ये सबसे आधारभूत दर्शन है योग दर्शन। योग में दो परंपराएं बोली जाती है, वैदिक योग परंपरा और हठ योग परंपरा। तो ये वैदिक योग परंपरा के आते हैं। इनका जन्म ईसा पूर्व 200 साल पहले, अष्टांग योग बताया इन्होंने और व्यास भाष्य इसका सबसे प्राचीन और बढ़िया भाष्य है। बाकी हमें मालूम है पतंजलि के बारे में काफी बातें, तो ये इतना ही जानना था। सेकंड है गुरु गोरक्षनाथ। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गुरु है हमारे नाथ परंपरा के, यानी हठ योग के। इनका जन्म 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। मीन्स करेक्ट मालूम नहीं है, पर इसके बीच में है 10वीं से 11वीं शताब्दी। कूड़े के ढेर में एक भभूति से इनका जन्म हुआ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें शिक्षा दी, यानी गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। इनकी कुछ जो रचनाएं हैं, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सार और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और भी है इधर, ये जो है वो लिखी हुई है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 6 अंगों का उन्होंने मान्यता प्रदान की। मीन्स ज्यादातर इन्होंने षडांग योग बोला, जो इनके ग्रंथ है गोरक्षनाथ जी के उनमें षडांग योग यम नियम का डिटेल नहीं बताया है। नेक्स्ट हम जाते हैं संत कबीरदास। ये एक महान संत है, समाज सुधारक कवि है, जिन्होंने धर्म को इतना महत्व नहीं दिया था। जन्म इनका विक्रम संवत 1455 और ईस्वी सन में बोला जाए तो 1398 काशी वाराणसी में हुआ, लहर तारा गांव में। नंबर काशी ये वार डेट याद रखना है क्या, बर्थ डेट एंड ये डेट्स का? डेट्स का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगता है मुझे कि डेट नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनके वैसे भी साल ही दिए हुए, डेट तो मालूम नहीं है। ज्यादातर जो पुराने हैं उनकी साल ही मैं बोल रही हूँ, जैसे शताब्दी को छोड़ के, जैसे आपने ये बताया ना 15 से 18, ऐसे करके याद हाँ। रखना है क्या? अभी वो क्या पूछेंगे ये हम बोल नहीं सकते, पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है दिमाग को,
रहता है याद रखो, नहीं तो छोड़ दो। इस पे से क्वेश्चन कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा दो। तो मीन्स अभी सिर्फ सुनो, ज्यादा अभी याद करने का कुछ भी नहीं, टेंशन लो अभी। तो मृत्यु इनका 1575, 1575, 1455 में जन्म हुआ था और 1575 में मृत्यु हुई थी संवत के हिसाब से। और सन अगर देखा तो 1518 काशी के पास मगहर में इनकी मृत्यु हुई। माता पिता थे नीमा और नीरू, ये ध्यान में रह जाएगा, नीमा नीरू। पत्नी थी लोई और संतान कमाल और कमाली, ये भी ऐसे जोड़ी है, ध्यान में रह जाएगी, ये इनकी संतान थी। गुरु रामानंद, इन्हें आकाश धर्मा भी कहा जाता है। घाट का नाम पंचगंगा घाट पे ये गुरु इनको मिले थे। इनके शिष्य थे धर्मदास, गुरु राम रामानंद और शिष्य धर्मदास। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। यानी ऐसे कहा जाता है कि इनके माता पिता कौन थे मालूम नहीं है, पर इनका पालन पोषण जिन्होंने किया वो नीरू और नीमा थे। इनका काल जो है भक्ति काल है। भाव कौन सा है, सहज और सरल भाव। हमें मालूम है कि इनके जो कबीर दास जी के जो दोहे हैं वो सरल भाव में होते हैं, सिंपल भाषा होती है। भाषा कौन सी है, पंचमेल खिचड़ी एवं सधुम सधुम मड़ी, ये इनकी भाषा है। धर्म मानवतावादी, इन्होंने मानवतावाद को पहले प्रेफरेंस दिया। ग्रंथ बीजक लिखा है शायद, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, मैं आपको देख के बताती हूँ। रचनाएं, धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिससे तीन मुख्य भाग है, साखी शब्द और रमायणी। साखी अर्थात साक्षी, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण। साखी साखी यानी इसमें उनकी शिक्षाएं हैं। शबद यानी गेय पद है, जो गाया जाता है वो शबद, जिसमें संगीत विद्यमान होता है। इसमें कबीर दास की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। संगीत से हम प्रेम व्यक्त करते हैं, ऐसे ध्यान में रखना। और रमायणी चौपाई छंद में लिखी गई है, इनमें कबीर दास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। साखी शब्द और रमायणी, साखी में है उनकी शिक्षाएं, शब्द यानी जिसमें संगीत है, गेय है, और रमायणी में चौपाई छंद है जिसमें उनका दार्शनिक विचार है। कबीर दास जी का यहाँ खत्म होता है, नहीं और है, सॉरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं इनको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास को क्या बोलते हैं, वाणी का डिक्टेटर। कबीर का काव्य धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोधी, कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए शब्द कौन से शब्द, अरबी भी थे, कश्मीरी भी थे, पंजाबी भी थे, बुंदेलखंडी भी थे, ब्रज भाषा भी थी और खड़ी बोली भी थी। यानी ऐसे मिक्सिंग था भाषाओं का, काफी इसमें मिक्सिंग था। और उनको आडंबर पसंद नहीं था, कबीर को बाह्य आडंबर यानी दिखावा पसंद नहीं था। वे एक ही ईश्वर को मानते थे, अवतार मूर्ति पूजा आदि में वे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनको आडंबर पसंद नहीं था। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने कौन सा उपासना की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। प्रमुख दोहे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, शायद पत्थर था इधर, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो मैं पहाड़ को भी पूज लूंगा, ऐसा वो बोलते थे।
ना किसी से प्रेम ना किसी से बैर, यानी समत्व भाव उन्होंने, ना बैर है ना प्रेम है। राम नाम से प्रेरित हुए ईश्वर एक ही भगवान हिंदू मुस्लिम इनके अनुयायी थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते थे। बाद में जब वो चल बसे तब हिंदू बोलने लगे कि ये हमारे थे, और मुस्लिम बोलने लगे ये हमारे थे। इन्होंने प्रेम भाव और समभाव सिखाया सबको। ये सबको खुद को काशी का जुलाहा कहते थे, और इन्होंने हमेशा सत्य का प्रचार किया, असत्य का खंडन किया। ये जो शब्द अपने कान पे पड़ रहे हैं, बस उतना हमको सुनते जाना है, वो मन में बिठा देने हैं। अभी तुलसीदास, कबीरदास का खत्म हुआ है। मैम जुलाहा क्या हुआ? जुलाहा का मतलब मुझे भी नहीं पता, पर ये ऐसा खुद को बोलते थे, काशी का जुलाहा। किसी को पता हो तो बता देना। मैम जुलाहा एक जाति होती है, जाती जैसे होती एक है। जाति होती रही, ऐसे एक अच्छा जाति होती है। जुलाहा जाति में इनका जन्म हुआ था। अच्छा और मैम आपके इसमें ना एक चीज, जैसे हमारे सिलेबस में पूछते हैं ना योग की परंपराएं हाँ, इनकी, तुलसीदास कबीरदास की, तो वो शायद आपने इसमें मेंशन नहीं किया है, ये वो भी पूछ नोट्स रहे थे। राहुल सर ने भेजे हुए हैं। अच्छा इसमें अच्छा ऊपर था ना, इनका था ना भक्ति मार्ग था, मैंने पढ़ा था ना किधर, ज्ञान मार्गी थे ये कबीरदास। हाँ ओके ओके जुलाहा होते हैं जो कपड़े बीनने का का काम करते मीनिंग थे, कपड़ा बुनने बुनने का। वाला, वीवर ऐसे दिया है, अच्छा कपड़े बुनने वाला वीवर। ओके, तो वो काशी क्या जुलाहा खुद को बोलते थे। अभी तुलसीदास जो है, दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी भक्ति अलग अलग टाइप की होती है, तो इनकी दास आवाज गई क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो कॉल लगा। हाँ एक सेकेंड, कॉल आया था, अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ आ रही है। जी मैम, ओके। दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म विक्रम संवत 1589 को, और इसका ईस्वी सन देखे तो 1532, यूपी बांदा जिले का राजापुर गांव। और इनका जन्म जो है 12 महीने लगे थे, यानी इनका बर्थ होने को 12 महीने लगे थे तुलसीदास, यानी ये अपने माँ के पेट में ज्यादा दिन रहे। इनका मृत्यु 1680 संवत और सन 1623 ईस्वी सन में श्रावण शुक्ल सप्तमी काशी के 80 घाट में। मृत्यु कहाँ हुआ? काशी में हुआ, 80 घाट में। अलग अलग वहां घाट है, उसमें से 80 घाट। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे, इनके माता पिता का नाम। पत्नी रत्नावली, ये दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। जो रत्नावली है वो दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि इन्होंने पहला शब्द राम बोला था। बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले इन्होंने राम बोला, इसलिए इनका नाम राम बोला। इनका पुत्र था तारक, और आध्यात्मिक गुरु थे बाबा नरहरिदास। और जिन्होंने शिक्षा दी, वो शिक्षा देने वाले गुरु थे शेष सनातन जी महाराज। ये इनके शिक्षा देने वाले गुरु थे। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया, एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनको जो सम्मान मिले या खिताब मिले वो गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। धर्म हिंदू। विनय पत्रिका गीति गीति माव्य, भाषा ब्रज गीति भाषा, गीति काव्य काव्य। काव्य काव्य, वो राइटिंग नहीं समझ रहे, गीति काव्य ओके। भाषा ब्रज भाषा थी इनकी, और पैदा होते ही इनके 32 दांत थे। इनके पैदा जो हुए 12 महीने माँ के पेट में रहे, इनके पैदा होते ही 32 दांत थे, और सबसे पहला शब्द इन्होंने राम बोला। रामचरितमानस की रचना आरंभ की, कब आरंभ की? तो संवत 1631 1631 में,
1631, 16 का डबल 32 होता है, तो ये 31 है, 1631। और इसको कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इनको लगे रामचरितमानस पूरा करने में। हनुमान की स्तुति में की गई रचना हनुमान बहुक, कौन उनके बाबू? सब हनुमान बाहुक, तो उनके हनुमान जी उनके सपने में आते थे। एक बार क्या हुआ, इनकी स्टोरी है, पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चली गई पत्नी उनकी, तो उनको बहुत उनके पत्नी की याद आने लगी। फास्ट बताती हूँ थोड़ा। तो आंधी तूफान में पत्नी को मिलने को गए, तो पत्नी थोड़ा पत्नी ने उनको डांट दिया, मीन्स कि इतना तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते हो, इतना ही तुमने अगर भगवान को चाहा रहता तो क्या हुआ रहता, ऐसे कुछ वो स्टोरी है। तो उसी समय उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे वो। और अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी। कहाँ लिखी रचनाएं? चित्रकूट, काशी और अयोध्या। राम से संबंधित है थोड़ा, ऐसे ध्यान में रखो। तुलसीदास जी की रचनाएं एवं कृतियां, इनके 12 ग्रंथों को प्रमाण माना जाता है, जिसमें श्री रामचरितमानस फेमस है, मीन्स सबको मालूम है, ज्ञात है सबको रामचरितमानस। तो ये महाकाव्य है, भाषा अवधी है, छंद चौपाई है इसका, और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे हैं। 7 अध्याय है इसमें और 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसको लगे हैं। फिर विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, वो क्या लिखा, गीतावली, रामलल्ला, वैराग्य संदीपनी, रामजा प्रश्नवली और जानकी मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। ज्यादातर वली वली से है 3-4, सबसे मेन है रामचरितमानस। रामायण, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी ध्यान में रखना कि हनुमान चालीसा भी इनका ही है। अलंकार जो है उसका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार में इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य की पढ़ाई से नानक गुरु के अंदर किया था 16 वर्ष तक। हिंदी साहित्य की जो इन्होंने पढ़ाई की, ये सेसया नानक गुरु के अंडर में की थी, 16 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाई की। अपने जीवन का अध्यापन स्व अध्ययन में ही इन्होंने लगा दिया, मीन्स खुद की पढ़ाई उन्होंने ज्यादा की, स्व अध्ययन किया। अभी सूरदास, ये सगुन को मानते थे, पहले हमने देखा वो निर्गुण थे, अभी ये सगुन को मानने वाले हैं। सगुण प्राप्ति धारा की कृष्ण अग्नि धारा के कवि, जन्म संवत 1535 1535 और सन 1478 1478 दिल्ली के सिंही गांव में हुआ। इनका मृत्यु विक्रम संवत 1620 सन 1583 पारसौली 1005 में हुआ। इनकी माता थी प्रेमवती और पिता का नाम था सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास। हम किसका पढ़ रहे हैं? सूरदास का। फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि हम सूरदास का पढ़ रहे हैं। उनकी माता प्रेमवती थी और पिता सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास, सूरदास के पिता रामदास। पत्नी, ये आजीवन अविवाहित रहे, इनको पत्नी नहीं थी सूरदास को। शिक्षा इनकी पुराण एवं उपनिषदों की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। धर्म हिंदू ब्राह्मण था, गुरु वल्लभाचार्य थे। भक्ति कौन सी की? कृष्ण की भक्ति की इन्होंने।
सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की, और भाषा ब्रज भाषा थी इनकी भी। रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। स स स सूरदास नाम था, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। कुल रचनाएं अभी तक 25 रचनाएं मानी जाती है, किंतु इनके 5 ग्रंथ ही मिले हैं जो इस प्रकार है: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलो। ये इनके 5 ग्रंथ अब तक मिले हैं, माने 25 जाते पर मिले 5 हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सूर पे से दो, एक साहित्य लहरी, फिर नल दमयंती और व्याहलो। नल दमयंती इनका ही है, ये हमें याद रखना है। सूरदास बचपन से ही जन्मांध थे या नहीं, इस पर विद्वानों का अनेक मत है। मैं जो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं वो वैसे भी पूछा नहीं जाता, पर ध्यान में रख लो कि कोई उनको बोलता है कि ये जन्म से ही उनको दृष्टि नहीं थी, जन्मांध थे, और कोई बोलता है कि ऐसा नहीं था। श्याम सुंदर दास उनके बारे में कहते हैं कि जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। कि उन्होंने जो वर्णन किया है अपना श्रृंगार का या रंग रूप का, जैसे नल दमयंती में ले लो, जो उन्होंने इतना अच्छे से वर्णन किया है कि जिसने कभी देखा ही नहीं, जो जन्म से अंधा है उसने देखा ही नहीं, वो ऐसा वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे श्याम सुंदर दास उनके बारे में कहते हैं। इसलिए इस पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई बोलता है थे कोई नहीं थे। नंद बाबा की गोद में खाना खाते थे, दैन्य भाव से गाते थे। अंबर के दरबार में जाते हैं तो अकबर अकबर, अकबर, अकबर के दरबार में जाते हैं तो अकबर कहते हैं कि मैं कृष्ण कन्हैया मथुरा के मंदिर कीर्तन काला कन्हैया गोद। वो खुद, हाँ वो खुद जब अकबर के दरबार में जाते हैं तो अकबर ने उन्हें पूछा होगा आप कौन है, तो वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूं। वो खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, अकबर को उन्होंने ऐसा बोला। विनय वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, मीन्स इन्होंने खुद शादी भी नहीं की, और अगर ये जन्मांध थे फिर भी इन्होंने प्रेम श्रृंगार के बारे में भी लिखा है। इनके गुरु 10 दिन तक ही बड़े थे, मीन्स इनके गुरु इनसे 10 दिन ही बड़े थे। अभी समसामयिक काल में योगी, पहला श्री श्यामचरण लाहिड़ी, इनका जन्म 30 सितंबर 1828। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो फिक्स डेट्स है ना वो शायद पूछी जा सकती है। जन्म 30 सितंबर 1828, धुरनी ग्राम बंगाल, तब ब्रिटिश राज था। मृत्यु दोनों सितंबर में, देखो इनके किसके, श्यामचरण लाहिड़ी जी के, 30 सितंबर में जन्म और 26 सितंबर को मृत्यु, 1828 और 1895। जब ये 66 इयर्स के थे तब वाराणसी में इनका मृत्यु हुआ, यूनाइटेड प्रोविंस में। इनके गुरु महाअवतार बाबा जी, जो इनकी 40 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, श्यामचरण लाहिड़ी जी के गुरु महाअवतार बाबा जी थे, और शिष्य थे युवतेश्वर गिरी, केशवानंद, प्रसवानंद किंवा प्रणवानंद, प्रणवानंद भी बोलते हैं इन्हें, ये इनके शिष्य थे। इन्होंने क्या दिया, क्रिया योग। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा योग किसने दिया, ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर भी आया था कि श्यामचरण लाहिड़ी का क्रिया योग है, ये पक्का ध्यान में रखना। इनको जो मैम सम्मान जो मिले थे, पतंजलि में वही है ये? नहीं 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 वैसा कुछ मेंशन नहीं किया, पतंजलि का क्रिया योग नहीं है ये। मैम फिर कौन सा है ये? क्योंकि मुझे रचना तो रही होगी, पक्का है। आई थिंक रचना हाँ रही होगी, जिन्होंने दर्शन और ध्यान बोला है ना, तो उनकी हाँ रचना हाँ ऐसी रही होगी। होगा, पर इनका क्रिया योग कौन सा है ये, 1 मिनट।
मेरे पास अगर हो तो बता देती हूँ, अभी डाउट क्लियर हो जाए। आई देखो, दीक्षित साधकों की यह विधि बताई जाती है। मीन जो साधकों को वो दीक्षा देते थे उनको वो क्रियायोग बताते थे। पूर्णतया शास्त्रोक्त गीता उसकी कुंजी है। और ये दीक्षा किसको देते थे? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी को ये बिना भेदभाव दीक्षा देते थे। और फिर उनको अपना क्रियायोग उन्होंने बताया, जिनको ये दीक्षा, दीक्षित साधकों की जो विधि थी, ये अद्वैतवाद को मानते थे। ये क्रिया योग का एक योग प्रणाली है। ये इसमें बताया गया है तप, कार्य में निष्ठा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा और स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये इनका क्रिया योग है। तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय। वही तो बताया गया, सेम तो है पतंजलि वाले। हाँ सेम है, सेम है। कार्य में निष्ठा रखना इसको इन्होंने तब बोला है, ईश्वर प्रणिधान में, ईश्वर में श्रद्धा रखना और स्वाध्याय में अच्छी पुस्तकें पढ़ना, वही है। सम्मान इनको क्या मिला? योगीराज बाबा जी 18वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे ये, 18वीं शताब्दी। पत्नी इनकी काशी मणि 1846, पिता गोरे चरण लाहिड़ी और माता मुमतेश्वरी देवी। इनकी शिक्षा काशी में हुई क्योंकि इनके पिता काशी में काम करते थे। फिर इन्होंने अनेक भाषाएं सीखी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी, बंगाली, वेद, गीता आदि भी इन्होंने पढ़ा। 1851 में, 185 1851 में लेखाकार के रूप में नौकरी, इन्होंने नौकरी की मिलिट्री में, रानीखेत में। इनका टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ का, वहां घूमते घूमते एक नवयुवक ने उनको रोका और बोला कि तुम एक योगी बन सकते हो, और उनके सर पर हाथ रखा तो पूर्व जन्म सा सब उनको याद आ गया और उन्होंने अपना जॉब छोड़कर योग का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अभी टी कृष्णमाचार्य 18 नवंबर 1888, 88 बहुत बार आया है, 18 और 1888, टी कृष्णमाचार्य। टी में भी 8 आता है, 8 में टी टी याद रखो, 18 और 1888, कर्नाटक, इसमें भी ट आया है फिर से, कर्नाटक में भी टी ट आया है के चित्रदुर्ग। मृत्यु 18 फरवरी 1989, मीन्स देखो ये 101 साल जिए थे। 18 ने 28 फरवरी मैम। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर 18 देखा, अच्छा हुआ क्लियर किया, थैंक यू। 28 फरवरी 1989 में इनकी मृत्यु हुई, 101 साल जिए, इतना भी ध्यान में रखा तो 1888 में हम 101 ऐड कर सकते हैं। टी कृष्णमाचार्य 18 नवंबर 1888 कर्नाटक में जन्म, और 28 फरवरी 1989 चेन्नई में मृत्यु, 101 साल ये जिए थे। तिरुमलाई अनफॉर्चुनेटली कृष्णमाचार्यों को मॉडर्न योगा, मैम आवाज आ इनका रही कौन मेरी सा? हाँ यस नीरज जी आ रही है। जी मैम, ये इनके मृत्यु मैसूर में हुई थी या चेन्नई में हुई थी, थोड़ा कंफर्म करिए एक बार इसको। मेरे पास भी चेन्नई लिखा हुआ है। मेरे पास मैसूर लिखा हुआ था। ठीक है मैम, ये राहुल सर के नोट्स में भी चेन्नई है और मेरे पास भी चेन्नई लिखा है, मद्रास जो अभी बोलते हैं ऐसे। का जन्म मैसूर में शायद जन्म मैसूर में लिखा हुआ है। था, हाँ मैसूर में जन्म है, चित्रदुर्ग जो है वो मैसूर में आता है। मैसूर में, हाँ कर्नाटक में। हाँ, मैसूर में जन्म चित्रदुर्ग में हुआ ना, तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट होगा, कर्नाटक, मैसूर, मैसूर। चित्रदुर्ग, ये उनका जन्म है और मृत्यु चेन्नई में है उनकी। ओके okay. तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को मॉडर्न योगा, ये ध्यान में रखना, इनको मॉडर्न योगा, आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है। ये भी शायद पूछा गया है पहले कि टी कृष्णमाचार्य को का क्या कहा जाता है, मॉडर्न योगा, फादर ऑफ मॉडर्न योगा, आधुनिक योग के पितामह टी कृष्णमाचार्य।
ये आयुर्वेद के विद्वान और वैद्य भी थे, यानी आयुर्वेद के जानकार थे ये। मैसूर के राजा कृष्णराज वड़ियार के पर्सनल योग टीचर थे ये। कौन? टी कृष्णमाचार्य, मैसूर के राजा, जहां उनका जन्म हुआ था, कर्नाटक मैसूर चित्रदुर्ग। तो उधर के ही जो, वहां के ही जो राजा थे कृष्णराज वड़ियार, तो उनके ये पर्सनल योगा टीचर थे। फिर उनकी ही सलाह पर उन्होंने भारत घूमा और योग को आगे बढ़ाया। अयंगर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले कृष्णमाचार्य के पिता वेद उपनिषद के शिक्षक थे, यानी उनके जो पिता थे वो भी वेद और उपनिषद के शिक्षक थे। इनके शिष्य, कई मशहूर योग गुरु इनके शिष्य रहे, के अयंगार, एक मिनट मेरे यहां से पढ़ती हूँ, कुछ कुछ वर्ड सुन के नहीं समझ रहे हैं। इंदिरा देवी, फैमिली फैमिली अयंगार हाँ, के पट्टा फैमिली से भी ताल्लुक। जोस, के पट्टा भी जोस, BKS अयंगार, AG मोहन, श्रीवास्ता रामास्वामी, दिलीप केजी जी मोहन है, महाराज, केजी मोहन है वो। हाँ, केजी मोहन है क्या? केजी केजी मोहन है नहीं वो। है नीरज जी, एजी मोहन ही है वो। एक का फुल फॉर्म क्या है एजी इसका? है फुल नीरज जी, एजी फॉर्म क्या है? एजी है। मेरे पास बुक है तो मैं उसे लेकर के बैठा हूँ। एजी मोहन ही है। फुल फॉर्म मेरे क्या है पास इसका? भी एजी मोहन ही लिखा हुआ है। फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा हूँ मैं तो। फुल फॉर्म फुल बुक में फॉर्म भी तो नहीं मुझे दिया है, वहां नहीं भी है। एजी मोहन लिखा है। नहीं दिया ठीक हुआ है है बुक में। ठीक। श्रीवास्ता रामास्वामी, दिलीप जी महाराज और इंदिरा देवी। इंदिरा देवी फीमेल थी, ये उनके कुछ शिष्य थे। पुस्तक जो उन्होंने लिखे, योग मकरंद, योगासन गलु, योग रहस्य और योग वल्ली, यानी ज्यादातर सब पुस्तक इनकी योग नाम से स्टार्ट हो रही है, किसी टी कृष्णमाचार्य की। योग संगालु आया है ना इसमें? मैम फाउंडर ऑफ विन्यास योगा भी थे ना ये? हाँ, बोल रही हूँ, है मेरे पास लिखा हुआ। विन्यासा योग भी इनका ही था। इसमें नहीं लिखा है ना शायद से। ओके इसमें नहीं आया है, आगे ओके ओके, लिखे है। योग की बारीकियां किससे हैं। सीखी? हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगाचार्य राम मोहन ब्रह्मचारी। किसी का माइक ऑन है? तो इससे उन्होंने योग की बारीकियां सीखी। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगाचार्य राम मोहन ब्रह्मचारी से, पतंजलि योग सूत्र भी। अभी इन्होंने क्या दिया? विन्यास योग। ये भी ध्यान में रखना है हमको कि टी कृष्णमाचार्य फादर ऑफ मॉडर्न योगा थे, और उन्होंने हमको क्या दिया? विन्यास योग। और इनका बर्थ की भी ट्रिक बता दी है, सब अपने अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। उपाधि इनको आचार्य करके मिली थी, और इनके गुरु थे विश्वानंद सरस्वती। विश्वानंद सरस्वती इनके गुरु थे। I'm sorry to disturb you. राम मोहन ब्रह्मचारी लिखा हो मेरे पास तो, ये कंफर्म करी नहीं एक बार। राम मोहन ब्रह्मचारी तो नहीं थे इनके गुरु, राम मोहन ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हैं नीरज जी? इनके गुरु थे क्या वो भी? ठीक हाँ, गुरु ही हुए ना, क्योंकि उन्होंने है, उनसे योग सीखा ना। राम मोहन ब्रह्मचारी ना, हाँ, तो इसमें राम विश्वानंद मोहन सरस्वती। ब्रह्मचारी से उन्होंने योग की बारीकियां सीखी और पतंजलि योग सूत्र। ओके, तो दो गुरु थे इनके मतलब। मैम वो हाँ, दूसरे ऐसा ही जो गुरु है होंगे। वो बाबू भगवान दास जी है ना? बाबू भगवान दास जी इनके ही गुरु है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, क्योंकि ये विश्वानंद हाँ मैम, सरस्वती नाम तो इसमें मेरे है पास भी लिखा हुआ नहीं है। बाबू भगवान दास जी भी है मैम। अच्छा, हाँ, तो हमको तीन नाम याद रखने पड़ेंगे इनके गुरु। बाबू भगवान दास, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, विश्वानंद सरस्वती और राम मोहन ब्रह्मचारी। ये इनके तीन गुरु हो गए। अभी शिवानंद सरस्वती, इनका नाम था कुप्पू स्वामी, यानी दीक्षा के पहले का नाम होगा वो कुप्पू स्वामी। इनका जन्म
8 सितंबर 1887। अभी देखो हमने इनका देखा था 1888 में, टी कृष्णमाचार्य का, ये उनसे एक साल पहले, शिवानंद सरस्वती 1887, 8 सितंबर, इनका भी 8 तारीख है, उनका 18 था, इनका 8 है, 8 सितंबर 1887। और मृत्यु जो है इनकी 14 जुलाई 1963 में इनकी मृत्यु हुई। स्थान दक्षिण भारत के ताम्रपर्णी नामक नदी के किनारे, दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी नामक जो नदी है उसके किनारे इनका जन्म हुआ, जो तमिलनाडु में है। और जो इनके पुस्तक है वो है कर्मयोग साधना, ज्योति शक्ति व प्रज्ञा। मेरे पास जो लिखा हुआ है अध्यात्म, गीता दर्शन, ऐसे योग पे उन्होंने 300 पुस्तकों की रचना की हुई है। ये यहाँ भी है लिखा हुआ। ब्रह्मचर्य साधना भी है। इनके गुरु थे विश्वानंद सरस्वती। हाँ ये देखो विश्वानंद सरस्वती पीछे आया था ना, जी टी टी कृष्णाचार्य के कृष्णमाचार्य पास में लिखा हुआ था। जी। जी मैम, वो शायद मुझे भी डाउटफुल लग रहा है, आपको किसी को क्लियर है क्या कि वो टी कृष्णमाचार्य के भी गुरु थे? ऐसा राममोहन वर्मा है ना, क्योंकि एक ही टाइम में है, एक ही काल में है, तो हाँ दोनों के गुरु हो सकते, हो सकते हैं, कंफर्म करना। हाँ कंफर्म करना पड़ेगा, पर इनके है वो स्वामी शिवानंद के है विश्वानंद सरस्वती, ये कंफर्म है। विश्वानंद सरस्वती ब्रह्मचर्य साधना योग दर्शन के 300 पुस्तक इन्होंने लिखे। और इन्होंने क्या दिया ये भी हमें ध्यान रखना है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, लाइफ डिवाइन या डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 14 जनवरी 1936। संक्रांति होती है ना जनवरी में, तो वो डेट याद रख सकते हो, 14 जनवरी 1936, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी शिवानंद सरस्वती। माता पार्वती अम्मा, पिता श्री पीएस गवहर, वो तहसीलदार थे। धर्म चिकित्सा 1927 में परमार्थ निकेतन, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, वहां उन्होंने चिकित्सालय खोला था। स्वामी राम हिमालय, ये इनका पूरा हो गया। अभी इनके बारे में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो मैं बताती हूँ। इन्होंने बीमारों की बहुत मीन्स बहुत सेवा की, बुद्धि इनकी कुशाग्र थी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किया था। और दिव्य जीवन के कुछ संदेश बताती हूँ आपको, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, परमार्थ सहन शक्ति, दान, नैतिक मूल्य पालन, दीन दुखियों की सेवा करना, पीड़ित मानव की सेवा करना, यानी दीन दुखियों की सेवा इनका थोड़ा हम ध्यान में रख सकते हैं, ईश्वर का भजन पूजन करना, जप ध्यान करना, ईश्वर प्रणिधान, सत्कर्म, प्रेम सेवा और दान, यानी सेवा को इन्होंने महत्व दिया था शिवानंद सरस्वती ने, जिनको कुप्पू स्वामी उनका पहले का नाम था, जिनके गुरु विश्वानंद थे, शिवानंद के गुरु विश्वानंद सरस्वती थे, और इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। 300 से ज्यादा पुस्तक इन्होंने लिखे। और 1932 में इन्होंने शिवानंद आश्रम की स्थापना की। 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, उसके 4 साल पहले इन्होंने शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी ऋषिकेश में। और ये बोलते थे विश्व में होने वाली जो घटनाएं हैं वो शास्त्रानुसार पहले से ही सुनिश्चित होती है, मीन जो कुछ होने वाला है वो पहले से ही लिखा गया है या वो निश्चित है शास्त्रानुसार, ऐसा ये बोलते थे। अच्छा बनो, अच्छा करो, दयालु बनो, ऐसा इन्होंने बताया, इतना ही मेन है इनके बारे में।
फिर मानव कल्याण के लिए इन्होंने 7 वैज्ञानिक संस्कार भी दिए थे, स्वास्थ्य, शक्ति, आचार, इच्छा, हृदय, आत्मा और आध्यात्मिक। इतना डीप पूछेंगे नहीं, पर 7 वैज्ञानिक संस्कार इन्होंने दिए हैं स्वामी शिवानंद ने। अभी स्वामी राम ऑफ हिमालय, इनका जन्म है 1925, 2 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ है, और इनका जो मृत्यु है वो 13 नवंबर 1996 में है, 2 जुलाई 1925 में जन्म और 13 नवंबर 1996 में इनका मृत्यु। जन्म का जो स्थान है वो देवभूमि उत्तरांचल, प्राण गढ़वाल के पास हुआ था, भारत ऋषिकेश में, और इनके जो गुरु थे वो बंगाली बाबा थे, बंगाली बाबा कहा जाता है उनको। 5 वर्ष वो बंगाली बाबा के बंगाली बाबा से उन्हें योग मार्ग में अग्रसर रहे। वो हिमालय की इन्होंने यात्रा की, दुर्गम प्रदेश की, तपस्या करते थे वो वहां, और वहां वो अनेक संतों से भी मिले, जहां तिब्बत मठों में भी वो गए, लामाओं से भी मिले, उनसे भी काफी उन्होंने आध्यात्मिक प्रयोग सीखे, प्राण विद्या, सूर्य विज्ञान, श्री विद्या का भी उन्होंने अभ्यास किया। स्वामी राम ऑफ हिमालय, इन्होंने अपनी पढ़ाई मीन्स वो हिमालय में गए थे, ऐसा ध्यान में रखना। नीरज जी, ये जो लाइफ डिवाइन सोसाइटी यहाँ लिखा है गलत लग रहा है ना? जी, ये तो उनका शिवानंद सरस्वती का जी का हाँ था। हाँ तो इन्होंने स्थापना की हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट योगा सोसाइटी की, इन्होंने स्थापना की, स्वामी राम ऑफ हिमालय, हिमालय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ध्यान में रहेगा, इन्होंने इसकी स्थापना की है। जो पुस्तक है इन्होंने लिखे हुए 44 पुस्तक इनके ऐसे हैं जो सर्वाधिक जिनकी बिक्री हुई है, अनेक भाषा में वो अनुवादित हुए हैं। हिमालय के संतों के साथ इन्होंने निवास किया है, उसका पुस्तक भी है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, ऐसा इनका पुस्तक भी है जो फेमस है। दूसरा है जो यहाँ लिखा हुआ है, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस 1992, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग 1989, और एनलाइनमेंट विदाउट गॉड, ये 1982 में उन्होंने लिखा। साइंस ऑफ ब्रीथ भी लिखा इन्होंने। और भी कुछ बुक है मैम? भगवद गीता पे भी एक पुस्तक लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ भगवद गीता, ये भी लिखी है इन्होंने। मैं इनके एक बुक और है, वॉकिंग विद द हिमालयन मास्टर्स, वॉकिंग विथ, हिमालयन मास्टर्स, ओके, हाँ और लिविंग लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स भी है इनका। वो बताया मैंने, लिविंग विथ बताया। तो इनका हिमालय ही याद रखना है हमको। इन्होंने ज्ञान भी हिमालय में प्राप्त किया, स्थापना भी हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की, और उनके पुस्तक में हिमालयों के संतों के साथ संघ निवास या लिविंग विथ द हिमालयन मास्टर्स, ये इनकी फेमस बुक है, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग। जो आर्ट ऑफ लिविंग हमको पता है ना, इनका आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग था। एनलाइनमेंट विदाउट गॉड, ये भी उनकी बुक है, और एक भगवत गीता पे भी साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने बुक लिखी हुई है। इन्होंने क्या किया था और इनके बारे में कुछ विशेष बता देती हूँ। आश्रम इनका काठमांडू नेपाल में था, देहरादून में जलेई ग्रांड ग्राम में एक विशाल चिकित्सालय एवं चिकित्सा विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने विदेशों में अनेक योग शिविर लिए। पहला आश्रम इनका नेपाल काठमांडू में इन्होंने स्थापन किया। ये अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन वगैरह भी लेते थे। योग केंद्र की भी इन्होंने स्थापना की अमेरिका शिकागो में 1970 में, अमेरिका में।
वही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस एंड फिलोसॉफी, ये अमेरिका में जो की वो 1970 में की, शिकागो में। इनका योग केंद्र था, चिकित्सालय था, पुस्तकालय था, प्रयोगशाला थी, पोस्ट ग्राम था, कॉलेज था, छात्रावास था, वर्कशॉप भी वहां होते थे। ऐसे काफी काम इन्होंने योगा के क्षेत्र में किया है। गुरु थे बंगाली बाबा। और इन्होंने क्या किया, योग में जो चमत्कार किए मीन्स उससे विद्वान और वैज्ञानिक जो थे वो भी मीन्स देखते रह गए। ऐसे इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए थे। काफी इन्होंने अपने हृदय के रक्त पंप करने को रोक दिया था, हृदय गति को 300 तक बढ़ाया था। ऐसे कुछ चमत्कार भी इन्होंने किए थे। ये किसका था, स्वामी राम ऑफ हिमालय। आगे बढ़ते, महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी, इनका जन्म 12 जनवरी 1918 छत्तीसगढ़ में पांडुका गांव रायपुर के पास इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 5 फरवरी 2008, 5 फरवरी 2008 नेदरलैंड में इनकी मृत्यु हुई। यानी इनकी मृत्यु इंडिया में नहीं है, नेदरलैंड में। महर्षि महेश योगी की बचपन का नाम महेश प्रसाद वर्मा था। इनके गुरु जो थे वो ब्रह्मानंद सरस्वती थे, शिष्य थे रविशंकर। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय भौतिकी में स्नातक थे ये, यानी बैचलर डिग्री थी। पुस्तक कौन से हैं इनके, आर्ट ऑफ लिविंग, गीता, वेदों और ज्ञान पर इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग ये बुक है उनका। महर्षि महेश योगी ऑन भगवत गीता ये भी उनका बुक है। भावातीत ध्यान ये भी सबसे मेन है इनका, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जिसको भावातीत ध्यान बोला जाता है ये उन्होंने दिया, और ये उनकी बुक भी है। महर्षि महेश योगी भावातीत ध्यान। 13 वर्ष तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 13 साल तक महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की मौजूदगी में रामेश्वरम में 10,000 बाल ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग और साधना की शिक्षा दी। 10,000 बालकों को वहां शंकराचार्य जी मौजूद थे। राम मुद्रा को नेदरलैंड में कानूनी मान्यता प्राप्त है। राम नाम की इस मुद्रा में चमकदार रंगों वाले ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, ग्लोबल होगा, ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने अक्टूबर 2002 में जारी किया। मीन्स इन्होंने एक मुद्रा जारी की जिसका नाम है राम मुद्रा, और नेदरलैंड में यह मान्य थी मुद्रा। तो जारी ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने अक्टूबर 2002 में इसे जारी किया, इनकी जो मुद्रा थी। 1957 में तमिलनाडु टीएन ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होगा ये, का आंदोलन उन्होंने आरंभ किया। 42 साल तक तपस्या की। इनका कुछ और हो तो मैं बता देती हूँ। महर्षि महेश योगी जन्म छत्तीसगढ़ में, मृत्यु नेदरलैंड में, भावातीत ध्यान दिया, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, फ्लाइंग योगा के लिए भी ये फेमस थे, फ्लाइंग योगा। वेदों पर पुस्तक मैम, लिखी। यस भावती ध्यान क्या होता है?
जो उन्होंने ध्यान की विधि बताई उसका ये नाम है भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो मैम विधि में क्या होता है? जैसे ध्यान है ना, बहुत सारे ध्यान होते हैं, तो वो पूछ रहा था। नहीं उसका तो मुझे भी पता नहीं है, किसी को पता हो तो बता सकते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन क्या होता है। नॉन रिलीजियस थे ये भी, हिमालय में 2 वर्ष मौन साधना की इन्होंने, और 1955 में इन्होंने टीएम यानी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की दीक्षा देना प्रारंभ किया, और 1957 में इसका आंदोलन चलाया। और इनका और एक फेमस है रॉक ग्रुप बीटल्स, 1968 मीन्स एक ग्रुप था जो जो इनके आश्रम में रहने को आया था, बहुत फेमस थे ये म्यूजिक में, रॉक ग्रुप बीटल्स 1968 में उनके आश्रम में रहने को आए थे। महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की, और मुद्रा राम को नेदरलैंड में कानूनी मान्यता मिली 2002 में अक्टूबर। मेरे पास इतना है, वो भी कुछ होगा एक्स्ट्रा तो बताया। हाँ ये देखो किसने पूछा था भावातीत ध्यान, ये एक प्रगाढ़ विधि है पर सरल है, अप्रत्यक्ष तथा अनुभव गम्य सरल वैज्ञानिक विधि है। मन सहज ही आनंद शक्ति सृजनात्मक बुद्धि आनंद तथा शांति के उद्गम स्थल तक पहुंच सकते हैं मन के द्वारा, ऐसा सहज विधि उन्होंने बताया। विधि क्या है वो नहीं लिखा हुआ है मैंने, पर ऐसा है कि आनंद और शांति के उद्गम स्थल तक हम पहुंचते हैं उस ध्यान द्वारा। मैं, मेरे पास जो बुक है मैं बोलूँ उसमें क्या लिखा है? हाँ चलेगा, हाँ मैं डाउट बोलता क्लियर हूँ। हो जाएगा। हाँ जी हाँ, इसमें भावातीत ध्यान में हाँ मंत्र योग का जप किया जाता है, मतलब मंत्र योग या जप योग का ये एक रूप इसमें बताया है, जिसमें साधक क्या करता है, सहज एवं शांत बैठकर आंखें बंद करके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का मानसिक जप करता है। जो गुरु मंत्र देता है उसका मानसिक रूप से जप करता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता, ठीक है ना। प्रत्येक मनुष्य के स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम को एक विशेष शब्द के स्वर कंपन से प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा ही बताते हैं। जिस इसमें गुरु के द्वारा साधक को उनकी प्रकृति के अनुकूल एक मंत्र दिया जाता है, मतलब गुरु जो होता है साधक को एक जैसी उसकी प्रकृति होती है उसके अनुसार ही कोई भी एक मंत्र देता है, जो कोई भी संस्कृत का शब्द हो सकता है, निरर्थक शब्द अथवा मंत्र हो सकता है, ऐसा इसमें बोला है भावातीत ध्यान में। ओके थैंक यू मनोज जी, डाउट क्लियर हो गया। आई मीन सिंपल है, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका हमें मन में ही उसका जप करना है, और उस जप के थ्रू ही हमें वो आनंद और शांति तक पहुंचना है, ऐसा है भावातीत ध्यान। नेक्स्ट है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, इनका जन्म 20 सितंबर 1911 आगरा में आवलखेड़ा गांव उत्तर प्रदेश, और जो मृत्यु है इनका वो 2 जून 1990 हरिद्वार भारत, हाँ यानी हरिद्वार में हुआ। 20 सितंबर 1911 में जन्म आगरा में, और मृत्यु 2 जून 1990 में हरिद्वार में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनके अन्य नाम थे श्री राम मत, गुरुदेव, वेद मूर्ति, युग ऋषि, गुरु जी। इनका जो प्रसिद्ध था वो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक और संरक्षक रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किसकी स्थापना की? अखिल विश्व गायत्री परिवार। इनके माता पिता श्री पंडित रूप किशोर शर्मा और दान कुमारी देवी, ये इनके माता पिता थे।
ये भारत के एक युग द्रष्टा मनीषी थे जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। हमने पढ़ा वो स्थापना 1950 में की हुई है इन्होंने, 1950 में। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व पारिवारिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इन्होंने आधुनिक और प्राचीन को मिला के ऐसे आध्यात्मिक नवचेतना को जगाया, उसका कार्य किया उन्होंने कि वर्तमान में जो चुनौतियां है उसका सामना किया जा सके। और मेन क्या है, अखिल विश्व गायत्री परिवार 1950। एक साधु पुरुष जाने जाते थे, योगी थे, दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे, मनीषी भी थे, द्रष्टा भी थे, ऐसे इनका रूप था। मीन सब गुण इनमें थे। इन्होंने क्या दिया है, प्रज्ञा योग और सविता ध्यान। सविता ध्यान इनका मेन है, वो ध्यान में रखना है। सविता ध्यान, फिर से दोहरा रही हूं, प्रज्ञा योग और अखिल विश्व गायत्री परिवार। इनके गुरु थे मदन मोहन मालवीय, उनको महामना मदन मोहन मालवीय ऐसे भी बोला जाता है, वाराणसी में मिले थे। इनसे इन्होंने काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। जब ये 15 वर्ष के थे तब इन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली वसंत पंचमी के दिन। और आध्यात्मिक गुरु जो थे इनके, ससवे सर सवरानंद, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। यानी दो गुरु हो गए इधर। आध्यात्मिक गुरु और जिनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की वो मदन मोहन मालवीय। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, पंडित श्रीराम शर्मा। इनकी रचनाएं आध्यात्म एवं संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, प्रेम पद, कथा और गाथा, स्वास्थ्य और आयुर्वेद। इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति और पुराणों का भाष्य किया है। काफी ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, ये भी इनके ग्रंथ है। सब निर्माण निर्माण, व्यक्ति, परिवार, समाज, युग। इन्होंने कुछ दिनों तक पत्रकारिता भी की थी। जात पात का इन्होंने विरोध किया। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, 1927 से 1933 ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 6 6 माह की जेल हुई थी इनको, कई बार 6 6 महीनों की जेल इनको कई बार हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और इनका समग्र साहित्य और गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य, जीवेम शरदा सतम, विवाक्षेन माद, समस्या और समाधान। फिर क्रांति धर्मी साहित्य, सतयुग को वापसी, नवयुग का मस्या मस्तापन, महिला जागृति, मैम, संजीवनी हाँ मैं कुछ पूछूं क्या इनमें से? मुझे हाँ समझ नहीं आ हाँ रहा, डाउट सा हो रहा है। जैसे हाँ पूछ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके गुरु हैं, और दूसरे हाँ आपने बताए सर्वेश्वरानंद, कुछ ऐसा ना, वो जी इनके जी आध्यात्मिक गुरु आपने बताए। और जो जी गायत्री मंत्र इन्होंने सिद्ध किया था वो तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, फिर हाँ आध्यात्मिक गुरु वो कैसे हुए उनके? और गायत्री मंत्र को लेकर के इन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं,
हाँ, इन्होंने गायत्री मंत्र पे ही काम किया है। आज भी हम देखते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स है वो गायत्री मंत्र का ही सबसे ज्यादा वो फिर हिट करते हैं। आध्यात्मिक गुरु वो कैसे हुए, उन्होंने क्या दिया इनको, क्या सिखाया, कुछ ऐसा वो मुझे मेरे पता पास है ना, ये जो नाम जो यहाँ लिखा हुआ है ना इस नोट्स में, वो मेरे पास नाम लिखा हुआ ही नहीं है। मैंने लिखा है मदन मोहन मालवीय से इन्होंने काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। ये जो सश्वेरा स्वरानंद जो लिखा है ना, वो मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं है, पर ये नोट्स में लिखा हुआ है। हम नाम याद रख लेंगे कि वो भी नाम है। ओके मैम। पूनम मैम, जी ऐसा है क्या कि मतलब मेरे पास कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं, मेरे नोट में लिखा है कि ही रॉट मोर देन 3,200 बुक विच इज द हाईएस्ट इन वर्ल्ड, मतलब सबसे यस, ज्यादा इन्होंने, यही है क्या हाँ, मैं इनकी अभी वही है? बताने वाली थी कि 3,200 ग्रंथ की उन्होंने रचना की है वो भी सही है वो। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, पर गुरु करके मदन मोहन मालवीय ज्यादा ध्यान में रखना आप लोग भी। इन्होंने आदिवासी दलित लोगों को भी वैदिक कर्मकांड की शिक्षा और दीक्षा दी थी। जात पात का विरोध करते थे, नारी जागरण का भी इन्होंने कार्य किया। आत्मा अनुशासन इन्होंने सिखाया था। पूरा मैम कितना बचा है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए क्योंकि अभी क्लास है मैम की, कुछ टाइम यस बचा यस है 6:30 बजे से, तो उसकी थोड़ा। अभी कितना है? आधुनिक काल में योग, अभी आधुनिक योगी है स्वामी विवेकानंद। जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता, मृत्यु 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ हावड़ा में। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1884, 1871 टू 1877 विद्यासागर कॉलेज। और गुरु और शिक्षक थे उनके रामकृष्ण परमहंस। दर्शन, आधुनिक वेदांत और राजयोग इन्होंने बताया। साहित्यिक कार्य जो है, राजयोग पुस्तक है, और भी कई पुस्तक है पर राजयोग फेमस है। कथन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो। धर्म इनका हिंदू था। और राष्ट्रीयता भारतीय थी। नव्य वेदांत दिया इन्होंने। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे ये। इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 11 सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। सबको पता है पर सिर्फ डेट याद रखनी, 11 सितंबर 1893, 1883 होना चाहिए ना, ये 93 सही है मैम। 93 सही है। ओके 1893, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। मुंबई से अमेरिका गए थे जहाज से, समंदर से। रामकृष्ण परमहंस गुरु द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, परमात्मा का अनुभव लिया था। जन्मदिन, इनका जो जन्मदिन है वो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 वर्ष के थे तब उन्होंने गेरुआ यानी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट किया, वो वस्त्र उन्होंने धारण किए। और वो सदा अपने को गरीबों का सेवक ही कहते थे। फिर इन्होंने स्थापना किसकी की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की इन्होंने? 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन। उसका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार और प्रसार और लोक सेवा करना। और अत्यधिक मैम परिश्रम करके इनका एक बार स्वास्थ्य डेट खराब, दोबारा से बता देंगे? 1 मई के 4th मई है, वही मैं मेरे इसमें ढूंढ रही थी, उधर अक्षर नहीं समझ रहे मुझे।
एक मैम मिनट फर्स्ट में बता, ही है वो, फर्स्ट फर्स्ट में है ही है ना? वो। हाँ सही बोला था फिर मैंने, फर्स्ट में ही। शिकागो से आने के अत्यधिक बाद भी परिश्रम के शिकागो कारण इनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इस समय वे समाधि में ही रहते थे और समाधि की ही अवस्था में 4 जुलाई 1902 1902 में वो इस पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई 4 जुलाई 1902 1902। 1891 1891 में पहले योग का भाष्य पढ़ा। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग इन्होंने दिया हुआ है। महर्षि रमन, थोड़ा ही बाकी है, 5 मिनट में कर लेते हैं। जन्म वेंकट रमन अय्यर, 30 दिसंबर 1879 मद्रास में। किसका पढ़ रहे हैं? महर्षि रमन। मृत्यु 14 अप्रैल 1950, 70 साल की उम्र में, श्री रमन आश्रम में। तिरुवंतमल तिरुवंतमलाई। पिता सुंदरम अय्यर, दर्शन अद्वैत वेदांत, धर्म हिंदू, कार्यक्षेत्र अध्यात्म तथा समाज सेवा की इन्होंने। भाषा तमिल थी इनकी। इनका प्रसिद्ध क्या है? महान ऋषि व समाज सेवक, ये ऋषि थे और समाज सेवक थे। महर्षि रमन 1879 to 1950 अद्यतन काल के, आधुनिक काल के होगा। महान ऋषि और संत थे। इन्होंने आत्मविचार पर बहुत बल दिया। बल किस पे दिया? आत्मविचार पर। इनका आधुनिक काल में भारत और विदेशों में बहुत प्रभाव रहा। विदेशों में भी फेमस थे। महर्षि रामायण में अद्वैतवाद पर जोर दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंतकरण साधना से ही होती है। अद्वैतवाद को बताया इन्होंने, अद्वैत जिसमें द्वैत ना हो। रमन ने संस्कृत, मलयालम एवं तेलुगु भाषाओं में लिखा। 3 भाषाओं में लिखा है इन्होंने, और जिसका अनुवाद पाश्चात्य भाषा भाषाओं में भी किया गया, फॉरेन लैंग्वेजेस में। संस्कृत के महान विद्वान गणपति शास्त्री ने उन्होंने गणपति शास्त्री ने उन्हें शमनन और महर्षि की उपाधियों से विभूषित किया। ये उनको उपाधि मिली हुई थी। किससे? गणपति शास्त्री से। विशेष योगदान उनका, महर्षि ने भारत के साथ साथ पश्चिम देशों में भी अपना उजाला फैलाया। आज भी लोग शांति की खोज में तिरुवन्नमलाई स्थित रमन महर्षि के आश्रम में, अरुणाचल पहाड़ी और अरुणाचलेश्वर मंदिर में जाते हैं। यानी शांति की खोज में लोग कहाँ जाते हैं वो बताया है, तिरुवन्नमलाई स्थित रमन महर्षि आश्रम, जो अरुणाचल पहाड़ी है वहां, और अरुणाचलेश्वर मंदिर भी है। इनका आश्रम श्री महर्षि रमन आश्रम भारत में, रमन महर्षि जलस्थल अरुचल आश्रम यूएसए में भी है, और डेविड गॉडमैन संस्था, ये भी उनकी संस्था है। महर्षि दयानंद सरस्वती, जन्म मूल शंकर तिवारी, इनका नाम था ब्रह्मचारी, 12 फरवरी 1824 में गुजरात में। मृत्यु 30 अक्टूबर 1889 अजमेर राजस्थान में हुई। गुरु विश्वानंद दंडिश। दर्शन वेदों की ओर चलो, आधुनिक भारतीय दर्शन। धर्म हिंदू। बचपन का नाम मूलशंकर, मूलशंकर तिवारी हमने ऊपर पढ़ा था। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ज्ञान, महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। किताब सिंधी मारे, ये शब्द किसको समझ रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये प्रणेता थे। ये किताब इनको मिला था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 7 अप्रैल 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। ये सबसे मेन है, ये हमें ध्यान में रखना है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।
इनका उद्देश्य था संसार का उपकार करना तथा इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति। समाज की शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना इनका मुख्य उद्देश्य था। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास को अपने दर्शन के चार स्तंभ बताया। इनके दर्शन के चार स्तंभ थे कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास। चार इनके स्तंभ थे दर्शन के, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास। स्वामी जी वेदांत के उपासक थे और अद्वैतवाद पर, इनका भी अद्वैतवाद ही है। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान योग के सिद्धांत, किंतु निराकार ध्यान का इनका विषय। इन्होंने जो ध्यान बताया वो निराकार ध्यान था, यानी सगुण साकार रूप का नहीं था, निराकार रूप का ध्यान बताया। पिता किशन लाल जी तिवारी थे और माता यशोधरा बाई जी थी। इनके अंतिम शब्द थे कृष्णं तो विश्वमार्थम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके शब्द थे प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये इनके अंतिम शब्द है, और सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। के खत्म हुआ है हमारा, मैम, रुकते इनकी हैं मृत्यु यहाँ। के बारे में एक बार बताना, आपने क्या बोला था? बताती हूँ अंतिम शब्द नहीं, इनकी मृत्यु का जो सन था, जो सन वो मैं सन पूछ रहा हूँ जी। 13 अक्टूबर 1883। 30 अक्टूबर लिखा है इधर, ये गलत लिखा हुआ है मैम, 1889 लिखा हुआ है ना, हाँ ये गलत है शायद इसमें। 1883 है मैम। ओके तो सही कर लेना, ये नोट्स ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे तो उसमें आप सही कर लेना और कि मैम, जो इसकी डेट इनका ये है। इनका एक फेमस स्लोगन तो वो था, जिन्होंने दिया था कि वेदों की ओर लौटे, तो हाँ वो वेदों इन्होंने की ओर बोला था। लौटो। तो स्वराज का अभी नारा भी मेरे लिखा है पास जो इन्होंने। लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी काफी लेट हो गया हमको, इसलिए फिर मैंने मेरी बुक मैंने बंद कर दी है, इसमें से ही पढ़ा है। स्वराज का नारा भी दिया था इन्होंने, हाँ थैंक यू। तो काफी पुस्तक लिखी है इन्होंने, जिसके मैडम कामा, स्वामी श्यामा जी, कृष्ण वर्मा, पंडित लेखाराम, महात्मा हंसराज, तिलक जी, ओके इनके कुछ वो भी और हैं। मैम इन्होंने उपासना योग दिया था, हाँ, उपासना योग दिया था इन्होंने जी। उपासना योग ये भी ध्यान रखना है, महर्षि दयानंद सरस्वती का उपासना योग था। सब लोग ये ध्यान में रख लेना, महर्षि दयानंद सरस्वती उपासना योग जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है और वो डेट में भी करेक्शन है। रुकते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, ओम शांति 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 ही सर्वार्ष्ट सुशांतिर्भवतु, हरिओम। धीरे से आंखें खोलेंगे, थैंक यू सभी को, बहुत फास्ट लेना पड़ा क्लास क्योंकि